Hello everyone. So welcome to fourth tutorial of Python series. So यहाँ से Python basically start हो रहा है, okay? So first of all, the very first topic in Python, let's talk about Python data types. So data types क्या होते हैं? Data types are the building blocks of Python, okay? और detail में हम लोग data type के बारे में देखेंगे आगे कि क्या होते हैं, but अभी के लिए आप डेटा टाइप का डेफिनेशन बस एक लाइन में याद रखो. डेटा टाइप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम. ओके, अभी क्या होते हैं और डिटेल में हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे, राइट? अब पाइथन में डेटा टाइप, ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं. कौन कौन से? इंटीजर्स, जिसका टाइप है INT, फ्लोटिंग पॉइंट, जिसका टाइप है फ्लोट. ओके, एक एक करके मैं बात करता हूँ. सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर्स, INT, ठीक है? ये किसके लिए यूज होता है? इंटीजर्स के लिए. इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट ना हो. जैसे एग्जांपल दिया है 300, 200, ये सारे किसके एग्जांपल है? डेटा टाइप्स के एग्जांपल है. उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, ओके, जिसका टाइप क्या होगा? फ्लोट. इसमें डेसिमल नंबर, जितने भी पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उसके लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं और उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं. ओके, देन STR. STR किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिंग के लिए, राइट? अब स्ट्रिंग क्या होता है? सीरीज ऑफ कैरेक्टर रिटन इन डबल और सिंगल कोटेशन. अगर पाइथन में कुछ भी डबल या सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ओके? वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और सीरीज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है. नेक्स्ट है लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर बहुत सारे अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्ट को हमें ग्रुप करके रखना हो तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं. अब इन सब पे हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में. इंटीजर्स को अलग से देखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट को देखेंगे और स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट्स, इन सब को तो बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम लोग. पूरा सब पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. सो अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. देन है हमारा डिक्शनरी, जिसमें की वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा को रख सकते हैं. की वैल्यू आप समझ रहे हो ना, जैसे नेम राजीव. सो नेम क्या हो गया? की, और उसका वैल्यू राजीव क्या हो गया? वो वैल्यू हो गया. उसी तरीके नेक्स्ट है हमारा टपल. ओके, टपल समवॉट लिस्ट की तरह है बट इम्यूटेबल होता है. अब इम्यूटेबल क्या है बात करेंगे हम लोग आगे जब देखेंगे तो. नेक्स्ट है हमारा सेट्स, ठीक है, जिसका टाइप होता है सेट. मैथ्स में सेट पढ़े हो ना, लगभग वही है. फिर बुलियन, बुलियन वैल्यू दो ही होती है, ट्रू और फॉल्स. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे जस्ट मुझे डेटा टाइप का एग्जाम्पल देना था. अब अगले वीडियो में हम लोग जल्दी से समझेंगे इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट को, स्ट्रिंग को, जिसमें हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे, एक मिनट इन तीनों में लगेगा. और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जिस पे टाइम लगेगा हमें, उस पे हम मूव करेंगे और उसमें सबसे पहला होगा लिस्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.